ब्लड प्रेशर, इसको शॉर्ट में बीपी कहते हैं और हिंदी में रक्तचाप कहते हैं, रुधिर दाब भी कहते हैं। जब दिल जो है झटके के साथ में ब्लड को धमनी में भेजता है आगे की ओर, तो जिस प्रेशर से, जिस ताकत से, जिस फोर्स से जो ब्लड है इस धमनी में बहता है उसी को बीपी कहते हैं। तो जितने तेज बहाव से ये बहेगा उसी को बीपी कहते हैं। जैसे कभी आप तो पेड़ों को पानी दे रहे हैं रबड़ वाले पाइप से, तो आप आगे की ओर उसको दबा लेते हैं ताकि पतली धार निकले, तो जब आप दबा लेते हैं तो पीछे की ओर प्रेशर बढ़ जाता है और कभी कभी मेन जहाँ से पाइप वो जुड़ा हुआ है नल से वहाँ से निकल जाता है। तो क्यों निकला? क्योंकि प्रेशर बढ़ा, उस पानी का प्रेशर बढ़ा। तो उसी तरह से जिस प्रेशर के साथ में धमनी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, नली होती है, उसमें ही खून बहता है और ये शरीर के गहराई में स्थित होती है। अब इसको पाइपलाइन समझ लें, छोटी पतली पाइपलाइन। तो उसके अंदर जो ब्लड है जितने ही प्रेशर से बह रहा है उसी को बीपी कहते हैं। बीपी दो टाइप से होते हैं, मतलब इसको जब नापते हैं तो उसमें दो रीडिंग ली जाती है, एक होती है सिस्टोलिक बीपी और एक डायस्टोलिक बीपी। तो सिस्टोलिक का मतलब है जब दिल सिकुड़ता है, खासकर उसके नीचे का हिस्सा जिसको वेंट्रिकल कहते हैं, निलय कहते हैं हिंदी में, तो वो जितने प्रेशर के साथ में सिकुड़ता है उसी को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और इसको जो रीडिंग वाली मशीन है उसमें 120 mmHg जो है रीडिंग उसकी नॉर्मल एक मानी गई है, कितना है तो ठीक है, और अगर उसके ऊपर बढ़ रहा है यानी कि आपका बीपी बढ़ रहा है, अगर इसके नीचे जा रहा है यानी आपका बीपी घट रहा है। लेकिन अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि वैज्ञानिकों ने अब इसको 130 कह दिया कि भाई ये नॉर्मल स्थिति है आज के एटमॉस्फेयर में, आज के हिसाब से। डायस्टोलिक बीपी क्या होता है? जब दिल सिकुड़ने के बाद में वापस रिलैक्स होता है, जैसे गुब्बारा आपने फुलाया तो गुब्बारे को आप दोनों तरफ से दबा रहे हैं उसको, तो दबाते हैं जैसे गुब्बारे पानी भरा, जब आप दबाएंगे तो पानी बाहर निकलेगा, जब आप हाथ पीछे हटा लेंगे तो वापस वो रिलैक्स फॉर्म में आ जाएगा। तो जब दिल दबा, उसने प्रेशर लगाया तो ब्लड आगे की ओर बहा, तो ये सिस्टोलिक प्रेशर हो गया। लेकिन वापस जब वो रिलैक्स फॉर्म में आता है, अपनी पहले की कंडीशन में आता है, तब उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 80 mmHg होता है। तो आज के लेटेस्ट जो इसकी रिपोर्ट है उसमें 90 को जो है नॉर्मल माना गया है कि 90 होना चाहिए। और बीपी जिस मशीन से नापते हैं उसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है।